जब आप अपने CG Affiliate अकाउंट की ID को लॉगिन करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा होगा। इसका मतलब है कि आपकी ID यहाँ पे CG Affiliate प्रोग्राम के ऊपर डीएक्टिवेट कर दी गई है, बंद कर दी गई है। आपको अपनी ID को फिर से यूज करने के लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और अपनी ID को फिर से चालू करना पड़ेगा, रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये जाने, उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपकी ID अगर डीएक्टिवेट हुई है तो वो किन कारणों से हुई है, किस वजह से हुई है, ताकि आप इन फ्यूचर फिर से अपने ID को ऑन कर लो और फिर से कुछ टाइम बाद में बंद हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए, देखिए अगर आपकी ID डीएक्टिवेट की गई है, मतलब बंद की गई है, तो उसका एक ही रीजन है, आपने काफी टाइम तक यहाँ पे इसको ऑन नहीं किया, ठीक है, अपनी ID को लॉगिन नहीं किया। अगर आप CG Affiliate प्रोग्राम के ऊपर कई दिनों तक अपनी ID को लॉगिन नहीं करते हो तो आपकी ID टेम्परेली, ये टेम्परेली होता है, टेम्परेली आपकी ID डीएक्टिवेट कर दी जाती है। कुछ टाइम बाद में आप अपनी ID को फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हो, उसके लिए एक अलग से प्रोसेस है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन डीएक्टिवेट होने का वो टाइम पीरियड है वो 3 से 6 महीने का रहता है। 3 से 6 महीने तक अगर आप अपनी ID को लॉगिन नहीं करते तो आपका अकाउंट यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप अपनी रीएक्टिवेट ID को कैसे कर सकते हो, फिर से अपनी ID को चालू कैसे कर सकते हो और फिर से यूज कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर से करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कमीशन जंक्शन के ऊपर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है तो फिर से आप उसको किस तरह से ऑन कर सकते हो, फिर से किस तरह से आप उसको रीएक्टिवेट कर सकते हो। देखो अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप यहाँ पे वापस से अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जूम करना है। जूम करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो पब्लिशर सर्विस एग्रीमेंट है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ये सब आप रीड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको बैक लेना है। बैक लेने के बाद में यहाँ पे ये चेक बॉक्स है, ये ऑन हो जाएगा, इसके ऊपर आपको चेक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो नीचे प्राइवेसी पॉलिसी, तो इन दोनों को आपको चेक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको I am not a robot के ऊपर चेक करना है। जैसे आप रोबोट के ऊपर चेक करोगे तो यहाँ पे सेंड रीएक्टिवेट मेल आपको मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो I am confirmation email has been sent, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसके ऊपर सेंड कर चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हो आप अपने अकाउंट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मेरे को मेल मिला है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो cgaaffiliate.com की तरफ से हमें एक मेल मिला है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने रिस्पॉन्स तुरंत हमें दे दिया है। यहाँ पे वेरीफाई माई मेल एंड रीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें cga.com की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पे जैसे आपका वेबसाइट ओपन हो जाता है देन उसके बाद में आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हम सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं cga.com के ऊपर। यहाँ पे members.cga.com हमें नज़र आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इसके मेंबर है, एफिलिएट प्रोग्राम को हमने ज्वाइन कर रखा है। अब देखो यार 6 महीने के अंदर अगर आप इसको यूज नहीं करते हो तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उसको रीएक्टिवेट करने के लिए ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर से रिप्लाई देंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए CG Affiliate प्रोग्राम के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए डेफिनेटली वीडियो लेके आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने CG Affiliate प्रोग्राम की ID को लॉगिन कर लिया, फिर से अपनी ID को ओपन करके रीएक्टिवेट कर लिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट जरूर से करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।